Hello everyone, I'm Namit Kumari, your educator, welcomes you all. Today, as you know that we are doing chapter number 3, Policies, Features and Problems of Agriculture. In this chapter, we are going to discuss about new topic, that is agrarian reforms. So basically, agrarian reforms क्या होता है? जैसा कि हम already पढ़ चुके हैं कि agriculture में बहुत सारी problems आ रही थी जिनकी वजह से हमारे farmers को problem face करनी पड़ती है. तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए, ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आई गवर्नमेंट, जिनकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में इम्प्रूवमेंट हुई है. तो हम यही पढ़ेंगे, उन इम्प्रूवमेंट्स को हम एग्रीग्रेन रिफॉर्म्स कहते हैं. ठीक है, अब फर्स्ट टॉपिक, इसके अंदर तीन रिफॉर्म्स आते हैं एंड फर्स्ट इज टेक्निकल रिफॉर्म. पहले हम ये डिस्कस करते हैं. टेक्निकल नाम से ही पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट कर दी गई, कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स उठाए गए जिनसे कि टेक्नोलॉजी अच्छी हुई और फार्मर्स को फायदा हुआ. जैसे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है यूज ऑफ HVY सीड्स. HVY का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का मतलब कि हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारे जो किसान हैं उनकी क्रॉप्स अच्छी इसीलिए नहीं होती क्योंकि उनके पास अच्छे सीड नहीं है, यानी कि बीज अच्छा नहीं है. तो उन्होंने अच्छी क्वालिटी के बीज उनको प्रोवाइड करने शुरू किए, जिसकी वजह से अगर आपका बीज अच्छा होगा, सीड अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली आपकी क्रॉप भी अच्छी आएगी और आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की यूज़ नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, आप जैसे जानते हैं अब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स किसकी होनी चाहिए? ऑब्वियसली नेसेंशियल प्रोडक्ट्स की, जैसे कि वीट, राइस, मेज, सीरियल्स. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोडक्ट्स की अच्छी सीड हमारे फार्मर्स को प्रोवाइड करना शुरू किया और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, इसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, हरित क्रांति, जिसमें कि हमारे किसानों की हरियाली और क्रॉप्स की हरियाली के बारे में सोचा गया. तो इस काम के लिए उन्होंने क्या किया, नेशनल सीड कॉरपोरेशन बनाया जो कि नेशनल लेवल पर सीड सप्लाई करने का काम करने लगे. सेकंड पॉइंट आता है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. देखिए, फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होता है? आपने जो क्रॉप उगाने के लिए बीज डाला है उसे हम सीड कहते हैं. ठीक है, अब उसके अंदर अच्छी खाद आपको डालनी है. खाद तो समझते होंगे आप सब, ताकि जो फर्टिलाइजर्स, उसी खाद को हम फर्टिलाइजर कहते हैं, ताकि फर्टिलाइज़र की वजह से जो क्रॉप है उसकी क्वालिटी अच्छी आए और वो जल्दी जल्दी बड़ा हो सके. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि जो हमारे आधुनिक तरीके, मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल वेज थे, वो बहुत पुराने हो गए थे, उनकी वजह से क्रॉप्स अच्छी नहीं हो पाती थी. ठीक है, तो केमिकल्स का यूज़ होना शुरू हुआ फर्टिलाइज़र्स का. तो आप देख सकते हैं 2017-18 में नियरली 265.9 लाख टन्स ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्टिलाइजर्स जब यूज़ हुए तो उनकी वजह से क्रॉप्स अच्छी डेवलप होने लगी. तो फार्मर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना शुरू किया. बट ये ज़्यादा अगर आप इन फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हो तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी हानिकारक है. तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी कुछ किया, वो हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. यानी कि क्रॉप्स को उगाने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड. अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आपकी क्रॉप उगकर बाहर आती है तो उसके ऊपर कीड़े लगने का डर होता है. ठीक है, छोटे छोटे कीटनाशक, कीटाणु वगैरह उस पर चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉप को खाना शुरू कर देते हैं और हमारी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि किसानों को फर्टिलाइजर्स के साथ साथ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड भी देना शुरू किया, क्योंकि ये कीटनाशक दवाई थी जो इन इंसेक्ट्स को मार देती थी, पेस्टिसाइड यानी उन कीड़ों को मार देती थी, जिसकी वजह से हमारी फसल ख़राब नहीं होती थी. ठीक है, और इसकी वजह से हमारी जो क्रॉप थी वो अच्छी होने लगी. आप देख सकते हैं कि 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर बनाए गए थे हमारी कंट्री में. एट प्रेजेंट 14 सेंट्रल प्लांट हैं जो सेंट्रल लेवल पर प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट आता है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने लोगों को समझाना शुरू किया कि आप कन्वेंशनल फार्मिंग छोड़ दीजिए, आप साइंटिफिक कल्टीवेशन कीजिए. अब ये कन्वेंशनल फार्मिंग क्या होता है? देखिए, कन्वेंशनल फार्मिंग का मतलब होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हो ताकि आपकी जो क्रॉप है वो अच्छी हो जाए, मीन्स जल्दी जल्दी ग्रो हो और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो क्रॉप बन जाए. लेकिन मैंने आपको बताया कि ज़्यादा पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से क्रॉप तो बच जाएगी और अच्छी भी हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, कुछ ऐसी चीज़ें
डेवलप होना स्टार्ट करेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र वाला फूड खाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने लोगों को समझाना शुरू किया कि आप कन्वेंशनल फार्मिंग छोड़ दीजिए, मींस फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम कीजिए और आप क्या कीजिए, साइंटिफिक कल्टिवेशन कीजिए। साइंटिफिक कल्टिवेशन का मतलब होता है कि जिसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, कुछ ऐसे तरीके से आपको फार्मिंग करनी चाहिए, बेटर टूल्स आपको यूज़ करने चाहिए, बेटर टेक्निक्स आपको यूज़ करनी चाहिए जिनसे कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम हो जाए और क्रॉप जो है वो एक वैज्ञानिक तरीके से बनकर बाहर आए। और जितने कम फर्टिलाइजर्स आप यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा ही लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जब फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा होने लगा तो लोगों को बोला कि आप साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टिवेशन। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, जैसे कि कंपाइलर, ट्रैक्टर, अच्छी क्वालिटी के सीड्स, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए फर्टिलाइजर्स के बजाय। क्योंकि अगर आप टेक्निकल टेक्नोलॉजी को अच्छा कर लोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो हेल्थ है क्रॉप की वो भी अच्छी होगी, और अगर क्रॉप अच्छी होगी तो ऑब्वियसली लोगों की हेल्थ को कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बनाई गई, कमर्शियल बैंक्स बनाए गए, फार्मर एजेंसीज बनाई गई, जिनका काम क्या था, उनको कल्टीवेशन यानी टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने का काम ये करने लगे। मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्होंने लोन देना शुरू किया ताकि जो फार्मर्स हैं उनको अच्छी टेक्नोलॉजी का मशीन्स मिल सकें और उस मशीन्स का इस्तेमाल करके वो अपनी क्रॉप्स को अच्छा बना सकें। क्योंकि किसानों के पास अच्छी मशीन्स खरीदने के लिए मनी नहीं थी और इन बैंक्स एंड सोसाइटीज़ ने उन्हें मनी प्रोवाइड करना शुरू किया। तो यहीं पर हमारा टेक्निकल रिफॉर्म्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट रिफॉर्म जो इसमें आती है उसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जिन्होंने फार्मर्स को हेल्प की ताकि उनकी जो एग्रीकल्चर है वो इम्प्रूव होती चली जाए। अब ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस थे, देखिए सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने काम किया वो क्या किया, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। अबॉलिशन का मतलब होता है ख़त्म कर देना, इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है कि जो बीच की पार्टी थी उसको ख़त्म कर दिया। यानी कि आप सबको पता होगा पहले ज़मींदार होते थे, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और वो अपनी लैंड के ऊपर फार्मर से काम करवाते थे और उसके बदले में कुछ थोड़ा सा पैसा उन्हें देते थे, ठीक है। अब इसकी वजह से किसानों की जो कंडीशन थी वो बिगड़ती चली गई, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, इन ज़मींदारों को कैंसिल किया, ख़त्म कर दिया ज़मींदारी प्रथा को बिल्कुल ही, ठीक है। उन्होंने कहा कि लैंड जिसकी है वो वहाँ काम करेगा और अगर वो खुद काम नहीं कर सकता तो उसे वो लैंड ठेके पर देनी पड़ेगी और उसके बदले में उसे पैसा भी भरपूर देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई। तो ज़मींदार के ख़त्म होने से हमारे जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई। सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने किया, रेगुलेशन ऑफ रेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ज़मींदार ख़त्म किया और उसको बोला कि अगर आप अपनी ज़मीन पर किसी किसान से काम करवाते हो तो उसे आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो वो क्या था, वो था रेंट। और जो रेंट आप दे रहे हो वो फिक्स कर दिया जाता था। मतलब कि अब ये ज़मींदार की मर्ज़ी नहीं थी कि वो कितना रेंट देगा, अब ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि कितना रेंट देना है, ठीक है। सपोज़ करते हैं कि मैं किसी की लैंड पर काम कर रही हूँ, मेरे पास खुद के पास लैंड नहीं है, मैं किसी ज़मींदार के लैंड पर काम करती हूँ, तो मेरा क्या राइट होगा कि मुझे जितनी भी क्रॉप उगाकर बेची गई है तो उस पैसे में से 1/3 मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, ठीक है, और होल्डिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके पास है। तो पहले जो हमारे पुराने वाले टाइम में प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि जो हमारे फार्मर्स थे ना उनके पास जो लैंड था वो स्कैटर्ड था। स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ, यानी कि एक ज़मीन का टुकड़ा मेरे पास यहाँ है और उसके बाद लोगों के खेत हैं और उसके बाद मेरा दूसरा ज़मीन का टुकड़ा यहाँ पर है, तो मैं इस थोड़े से टुकड़े में क्रॉप उगा रही हूँ और इस थोड़े से टुकड़े में कुछ क्रॉप उगा रही हूँ, तो जो टोटल प्रोडक्शन आता था वो कम आता था, ठीक है। और मुझे प्रॉब्लम भी होती थी, एक खेत में यहाँ काम करना है और फिर घूम कर दूसरे खेत में जाना है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया, उन्होंने क्या किया, लैंड को कंसोलिडेट कर दिया, यानी कि इकट्ठा कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, सारी लैंड खरीदी और किसानों को उनकी लैंड फिर दोबारा से बेची। किस तरीके से, सपोज़ करते मेरे पास एक एकड़ यहाँ पर है और एक एकड़ यहाँ पर है, तो टोटल मेरा कितना हो गया, 2 एकड़, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पूरी ज़मीन को ख़रीदा, ठीक है, और इसको बांट दिया कुछ हिस्सों में। और कैसे बांटा, कि मुझे
जमीन का ये वाला टुकड़ा दे दिया गया, पूरा का पूरा 2 एकड़। यानी कि पहले मैं क्या कर रही थी, 1 एकड़ यहाँ था, 1 यहाँ था, अलग अलग मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब मुझे इकट्ठा 2 एकड़ की जमीन एक ही जगह दे दी, ठीक है, इकट्ठा कर दिया। और मुझे अब फायदा है क्योंकि मुझे कहीं इधर उधर नहीं जाना, मैं इसी एकड़ पे इकट्ठा काम कर सकती हूँ और कोई भी क्रॉप इस पूरी की पूरी जमीन में उगा सकती हूँ, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने होल्डिंग थे ना आपके, स्कैटर्ड होल्डिंग थे, उनकी बजाय रिप्लेस कर दिया किसके साथ, लैंड फार्मर को दिया एक जगह पर, एट वन प्लेस। इससे फार्मर्स को बहुत फायदा होना शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एक चीज़ को ना फिक्स कर देते हैं कि मैक्सिमम इतना रेट होना चाहिए, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड मैक्सिमम कितना होना चाहिए ये फिक्स कर दिया। मतलब कि हर इंसान जिसके पास ज़मीन है, चाहे वो ज़मींदार है चाहे वो किसान है, कोई भी है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि आपके पास इतनी एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने एक मैक्सिमम साइज़ बता दिया। अगर किसी के पास उससे ज़्यादा की ज़मीन होती थी तो गवर्नमेंट उस ज़मीन को ख़रीद लेती थी और बदले में पैसा दे देती थी, ठीक है। और फिर वो जो ज़मीन गवर्नमेंट ने खरीदी है उस ज़मीन को वो क्या करती थी, आगे सस्ते दामों पर छोटे वाले किसानों को बेचती थी। ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है उनको सस्ते दामों पर वो लैंड बेचना शुरू किया। अब आप समझ सकते हो दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा, जिससे आपने लैंड खरीदी उसको कैश मिल गया, और जिसके पास लैंड नहीं थी आपने सस्ते दामों पर उसे लैंड प्रोवाइड की। तो इस तरीके से सीलिंग के थ्रू गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है कि एक इस तरह की फार्मिंग है जहाँ पर कुछ छोटे छोटे किसान मिल जाते हैं और इकट्ठा होकर वो काम करते हैं, जैसे कि कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब होता है मिलजुल के काम करना। सपोज करते हैं 10 किसान हैं जिनके पास, किसी के पास आधा एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 1.5 एकड़ है, किसी के पास 4 एकड़ है। तो वो क्या करेंगे, वो 10 के 10 किसान मिल जाएंगे और वो उनकी जितनी भी ज़मीन है, सपोज़ ये पड़ोसी हैं, सपोज़ करते हैं हम कि ये हमारा एक लैंड है जिसके अंदर 10 फार्मर काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से 10 फार्मर काम कर रहे हैं, किसी के पास छोटी ज़मीन है, किसी के पास बड़ी ज़मीन है, ठीक है। तो अब ये 10 के 10 किसान मिल जाएंगे और ये क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी ज़मीन पर क्रॉप उगाएंगे इकट्ठा, ठीक है। वो सारे इकट्ठा मिलकर पैसे लेंगे, पैसे इकट्ठे करके अच्छी क्वालिटी का सीड खरीदेंगे, ट्रैक्टर का इंतज़ाम करेंगे, कल्टीवेशन एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम करेंगे, अच्छे फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे, क्योंकि अब वो सारे मिल गए हैं, ठीक है। एक पैसा एक उन्होंने इकट्ठा किया और उस पैसे से उन्होंने मिलकर फार्मिंग की, और जब फार्म क्रॉप्स उग जाते हैं उनको वो मार्केट में बेचने चले जाते हैं, और उसके बाद पैसा भी वो आपस में बांट लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग का फ़ायदा ये है कि इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं ना उनको हमेशा सस्ते दामों पर चीज़ें मिलती हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर कोई कोऑपरेटिव फार्मिंग का हिस्सा है तो उसे सस्ते दामों पे सीड मिलेगा, फर्टिलाइज़र मिलेगा, इंसेक्टिसाइड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब आप क्रॉप उगाते हो, सस्ते दामों पे आपने काम किया, क्रॉप उगाया, आपने मार्केट में बेचा, तो पैसे तो आपको पूरे मिल रहे हैं। तो आपको फ़ायदा हो रहा है कि सस्ते दामों पे क्रॉप उगा के आप महंगी क्वालिटी प्राइसेस पर उनको बेच पा रहे हो, और बीच का जो मार्जिन है वो प्रॉफिट आप कमा पा रहे हो, ठीक है। तो इन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से गवर्नमेंट ने फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव किया। 2 तरह के रिफॉर्म्स हम कर चुके हैं, अब इसमें जो नेक्स्ट आती है उसका नाम है जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स का मतलब कि गवर्नमेंट ने जनरली कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे कि किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहला इसमें आता है एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़। इरीगेशन का मतलब होता है कि सिंचाई के साधन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट ने क्या किया कि जिन किसानों के पास अपने खेतों पर ट्यूबवेल नहीं था, यानी कि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, उन किसानों को सिंचाई के साधन प्रोवाइड करने शुरू किए, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट ने खुद से उन किसानों के खेतों में ट्यूबवेल्स लगवाए। आप जानते हैं कि आज की डेट में 45% ऑफ लैंड जो हमारा एग्रीकल्चर में है उसको इरिगेशन फैसिलिटी गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना बड़ा कदम उठाया इन दिस रिगार्ड। नेक्स्ट आता है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। मतलब कि लोगों को यानी किसानों को उधार देने का प्रोविज़न बनाया, क्योंकि जो छोटे किसान थे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, उनके पास ना तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए पैसा होता था, ना अच्छी सीड खरीदने के लिए पैसा होता था, और ना ही अच्छी खाद खरीदने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको लोन देना शुरू किया। अब लोन कौन देगा, ऑब्वियसली लोन देने के लिए उन्होंने कमर्शियल बैंक्स को बनाया। जो कमर्शियल बैंक्स जिनमें हम डील करते हैं, उनको भी बोला गया कि आप भी लोगों को यानी कि किसानों को लोन दीजिए।
तो आपको पता है कि जो हमारी कमर्शियल बैंक है जो वो लोन प्रोवाइड करती है, उस लोन का 72% जो हिस्सा है वो किसको जाता है? हमारे फार्मर्स को। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा लोन फार्मर्स को प्रोवाइड कर रही है। लेकिन कमर्शियल बैंक के ऊपर ना जब बर्डन बढ़ने लगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक सिर्फ किसानों के साथ डील नहीं कर रही थी, वो हम लोगों के साथ भी डील कर रही थी, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ भी डील कर रही थी, तो उनका वर्कलोड बहुत बढ़ने लगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक अलग से इंस्टीट्यूशन बना दिया जिसका नाम था नाबार्ड। 1982 में नाबार्ड नाम का एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका काम ही था सिर्फ और सिर्फ लोन प्रोवाइड करना। यहाँ पर आप अपने मनी डिपॉजिट के लिए नहीं जा सकते हो। ये नाबार्ड जो है ये सिर्फ किसानों के लिए बनाया गया था और ये किसानों को लोन प्रोवाइड करता था। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ भी सकती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसा बैंक है जो एग्रीकल्चर के लिए और रूरल यानी गाँव के विकास के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनानी शुरू की। रेगुलेटेड मार्केट्स का काम क्या होता था कि वो एक मिनिमम रेट फिक्स कर देते थे, वो बता देते थे कि किसानों का जो सामान है वो किस रेट पर बिकना चाहिए, और वो ये भी ध्यान रखते थे कि किसानों को उनका जो पैसा है वो वक्त पे मिल जाए। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक ऐसी सोसाइटीज़ थी जिसमें अगर आप मेंबर बन जाते हो तो आपको सस्ते दामों पे सीड, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड मिलता था, और फिर आप जब इसे बेचने जाते थे तो यही सोसाइटीज़ किसान की मदद करती थी उसके प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे बेचने के लिए, जिससे कि उनको फ़ायदा होता था। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो इसमें आता है उसका नाम है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी यानी कि PSP। आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है। अब इसका क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट ना किसी भी चीज़ का एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट में रेट फिक्स हो गया है कि अगर कोई किसान गेहूं बेचना चाहता है तो उसकी गेहूं 2500 रुपये पर क्विंटल से नीचे नहीं बिकनी चाहिए। ठीक है, एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन मार्केट में जब फार्मर जाता है तो उसकी जो गेहूँ है वो 2500 से कम रेट पर बिक रही है, कोई उसके ज़्यादा पैसे देना नहीं चाहता, तो वो किसान क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा और अपनी गेहूँ उसको बेच कर आएगा 2500 रुपीज़ पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि किसानों को नुकसान नहीं होगा। अगर मार्केट में कोई चीज़ उसकी नहीं बिक रही है या सस्ती बिक रही है तो वो जाके गवर्नमेंट को बेच सकता है और इससे उनको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP, कि गवर्नमेंट ने मिनिमम कितना प्राइस फिक्स कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा गवर्नमेंट को ही बेचो। सपोज़ करते हैं गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस रखा था 2500, लेकिन मार्केट में आपकी गेहूँ 3000 में बिक रही है, 3000 में बिक रही है, तो ज़्यादा में बिक रही है ना, तो आप अपनी गेहूँ मार्केट में बेच सकते हो। तो ये किसान की मर्ज़ी है कि वो मार्केट में बेचना चाहता है या गवर्नमेंट को बेचना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये जो हमने रिफॉर्म्स पढ़े हैं इनको पढ़कर आपको पता चल ही गया होगा कि गवर्नमेंट ने कितने सारे स्टेप्स उठाए हैं हमारे किसानों को और हमारी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।